अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर इससे पहले आप थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ आ जाएगी, वरना 2-3 दिन में आना शुरू हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने। ओके, सो मैं आपको इसकी क्या जर्नल एंट्रीज बताता जो स्टार्टेड बिजनेस विद 15 मिलियन इन द बैंक, बैंक टू कैपिटल, bought goods on credit from Jamal, Faisal, Talal, Rashid, list price 550, trade discount 20,000. Okay. So, Jamal से आपने 290,000 की चीज़ें खरीदी हैं, purchases to Jamal 290,000, Faisal से 12 लाख की खरीदी हैं, purchases to Faisal 12 लाख से, Rashid से, Talal से खरीदी हैं 610,000 की, purchases to Rashid, नहीं, purchases to Talal 610,000 से, Rashid से आपने 550,000 की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 30-20,000 आपको डिस्काउंट मिल गया। तो नेट आपने कितने पैसों पे डील की है? 5 लाख। ओके, ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं ऐसा डिस्काउंट जो कि एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज आप ले लेते हैं, निगोशिएशन डिस्काउंट है। जैसे आप आम दुकान पे जाते हैं तो आप जाके उससे बहस कर लेते हैं, और अगर वो फिक्स प्राइस शॉप नहीं है तो आपको थोड़े पैसे छोड़ देता है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को जस्ट हम डिडक्ट कर देते हैं, दैट्स इट। सो 550,000 रुपये की चीज़ थी, 20,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब है आपको ये नेट कितने की पड़ी है? 530,000 की। तो बस, ओके, तो 530,000 से एंट्री डाल देंगे हम, लिखेंगे परचेजेस डेबिट राशिद क्रेडिट 530,000। ओके, फिर कैश सेल है 6-10 की, कैश टू सेल्स ही होगी इसकी तो एंट्री। और फिर पेड रेंट बाय चेक, रेंट टू बैंक 1,75,000 से, फिर पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक, रेट्स टू बैंक, रेट्स टैक्सेस होते हैं, रेट्स टू बैंक, विड्रू कैश 290,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू कैश 290,000, वी रिटर्न गुड्स टू जमाल एंड राशिद, जमाल टू परचेज रिटर्न, राशिद टू परचेज रिटर्न। अच्छा, यहां पे एक चीज और मैं आपको बताता जाऊं, कि हम यूं भी कर सकते हैं कि हम इस एंट्री को कंपाउंड कर लें। कंपाउंड करने से मुराद क्या है? इकट्ठा कर लें। यानी एंट्री क्या बन रही थी? एंट्री बन रही थी परचेजेस टू जमाल, ऐसे ही है। फिर हमने क्या की? परचेजेस टू राशिद, उन्होंने की परचेजेस टू तलाल। हम यूं भी कर सकते थे कि हम एक ही एंट्री डालते, परचेजेस टू राशिद टू जमाल टू तलाल वगैरह वगैरह। बेसिकली हमने क्या किया, मल्टीपल एंट्रीज को इकट्ठा कर दिया, कंपाउंड कर दिया। सो परचेजेस टू जमाल होना था 10 रुपए से, परचेजेस टू राशिद होना था 15 रुपए से, परचेजेस टू तलाल होना था 18 रुपए से। हमने क्या किया, हमने कहा यार ये भी परचेज डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, इन तीनों को कर लो जमा, 18 जमा 15 33 जमा 10 43, और 10 से क्रेडिट, 15 से क्रेडिट, 18 से क्रेडिट। ये क्या काम किया हमने? हमने मल्टीपल एंट्रीज को इकट्ठा कर दिया, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंडिंग की जा सकती है। कंपाउंडिंग के लिए आम तौर पे ये असूल ध्यान में रखा जाए कि वो एक ट्रांजैक्शन या एक वक्त पे हुई हुई ट्रांजैक्शन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 मार्च की ट्रांजैक्शन को 22 मार्च की ट्रांजैक्शन से कंपाउंड कर दूं, क्योंकि 15 मार्च वाले ने 15 की तारीख पर रिकॉर्ड होना है और 22 वाले ने 22 में रिकॉर्ड होना है, इकट्ठी कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अगर 15 को ही एक काम हुआ है और 15 को ही दूसरा काम हुआ है और वो आपस में उसकी कोई रिलेशन भी है तो मैं उनको इकट्ठा भी कर सकता हूँ, ठीक है।
तो अभी जो मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया वो जो था नंबर 3 पे, तो मैंने यूं कहा कि परचेजेस टू जमाल, परचेजेस टू फैसल, परचेजेस टू तलाल, परचेजेस टू राशिद। तो हम इसकी जगह यूं भी कर सकते थे, परचेजेस एक ही दफ़ा टोटल से डेबिट, और राशिद क्रेडिट, फैसल क्रेडिट, तलाल क्रेडिट, जमाल क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह ये जो नंबर 18 है, हमने चीज़ें वापस की हैं, तो परचेजेस की उलट एंट्री हो जाएगी। परचेजेस टू जमाल की जगह अब जमाल टू परचेजेस हो जाएगी, या परचेज रिटर्न हो जाएगी। और इसमें भी दो रिटर्न्स हैं, तो हम चाहें तो दो एंट्रियाँ डाल दें, चाहें तो इकट्ठी कंपाउंड कर दें। तो हम कर सकते हैं कि परचेजेस टू, सॉरी, जमाल टू परचेज रिटर्न और राशिद टू परचेज रिटर्न। तो हम उसकी जगह कंपाउंड करके जमाल को डेबिट करें, राशिद को डेबिट करें, और टोटल अमाउंट से एक ही दफ़ा परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दें। ठीक, समझ आ गया आपको ये? ओके, फिर है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राशिद तलाल। अगेन वही चीज़ जो पहले हम करके आए हैं, इसकी एंट्री आपको मालूम हो चुकी है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू तासीर, जवाद, तौसीफ। अब सेल्स ऑन क्रेडिट है, तो आपने कहा तासीर रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, जवाद डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तौसीफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अल्टरनेटिवली आप कंपाउंड भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे तासीर डेबिट, जवाद डेबिट, तौसीफ डेबिट, और एक ही मरतबा टोटल अमाउंट से सेल्स क्रेडिट। ये भी ठीक है, तो आप इसकी तीन एंट्रीज कर दें, या आप इसकी एक कंपाउंड एंट्री कर दें। ठीक, गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय जवाद, तासीर, दो रिटर्न आ गई हैं, सेल रिटर्न नहीं है। अगेन सेल्स की उलट एंट्री डाल देंगे। जब सेल की थी तो एंट्री डाली थी जवाद टू सेल्स, अब क्या हो जाएगी, सेल्स टू जवाद, सेल्स रिटर्न टू जवाद, और सेल्स रिटर्न टू तासीर। या दोनों को कंपाउंड करके सेल्स रिटर्न इकट्ठा डेबिट कर दूंगा, और जवाद और तासीर को अलग अलग क्रेडिट कर दूंगा। याद रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो डिफर कर जाए, उसको बराबर रहना चाहिए। बॉट डिलीवरी व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम टर्न की मोटर्स, तो क्या एंट्री डालेंगे, व्हीकल डेबिट टू टर्न की मोटर्स पेएबल क्रेडिट। फिर हमने पेमेंट कर दिया जमाल को, फैसल को, तलाल को। अब पहले हमने जमाल को पेमेंट किया 2,65,000 की, आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 7,000। तो क्या हम एंट्री पास करेंगे इसकी, हमने पेमेंट की है 267 की, 265 की, आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 7,000। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि 7,000 काटने के बाद 2,65,000 का चेक मैंने पकड़ा दिया। ठीक है ना, पीछे चेक कर लेते हैं। जमाल से हमने परचेज कितने की थी, 2,90 की। फिर जमाल को हमने चीजें वापस दे दी 18 की, और उससे कितने पैसे दे रहे हैं, 2,72, उसमें से 7,000 का डिस्काउंट हुआ, और बाकी का 2,65 हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं ना भी चेक करता तो लिखा हुआ भी मुझे यही बता रहा था कि वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक, जमाल को हमने 2,65 दिया है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 7,000, यानी 7,000 का डिस्काउंट काटने के बाद। अब मैंने असल में जमाल से सेटलमेंट की है 2,72,000 रुपये की, लेकिन उसको पैसे दिए हैं 2,65,000, बाकी का मैंने नहीं देने, अब तेरा मेरा डिस्काउंट हो गया। तो मेरी जेब से जो पैसे निकले हैं, चेक बैंक निकला है, वो तो 2,65 से निकला है, लिहाजा बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2,65 से। लेकिन जमाल, मेरी लाइबिलिटी तो 2,72 से ख़त्म हो गई है। अब मैंने उसका कितने पैसे नहीं देने, 2,72 नहीं देना मैंने उसका, इन 2,65 जो पैसे दे दिए वो भी नहीं देने, और 7,000 जो डिस्काउंट हो गया वो भी नहीं देना, लिहाजा मेरी लाइबिलिटी ख़त्म कितने से हो रही है, 2,72 से। तो जमाल को डेबिट करूंगा 2,72 से, बैंक क्रेडिट करूंगा 2,65 से, बाकी की 7,000 मुझे बचत हो गई है, डिस्काउंट इनकम को क्रेडिट कर दूंगा 7,000 से। इस देखें, डेबिट क्रेडिट बराबर किस तरह होगा, फिर आपने जमाल को डेबिट किया 2,72 से और बैंक क्रेडिट किया 2,65 से, तो डेबिट क्रेडिट तो टैली नहीं है, कैसे होगा, 7,000 का एक और क्रेडिट डलेगा डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, इसी तरह फैसल को 12 लाख दिया है,
फैसल टू बैंक 12 लाख से। इसी तरह तलाल को 4,80 दिया है 20,000 का डिस्काउंट काटने के बाद, यानी टोटल सेटलमेंट 5 लाख की हुई है, 20,000 डिस्काउंट करा लिया है और 4,80 दे दिए, तो तलाल डेबिट होगा 5 लाख से, क्योंकि मेरा उसका खाता तो 5 लाख से निल हुआ है, लेकिन बैंक क्रेडिट होगा 4,80 से और बाकी का 20,000 मुझे डिस्काउंट हो जाएगा। फिर बॉट अनदर व्हीकल, अनदर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट। फिर रिसीव्ड अ लोन ऑफ 750,000 कैश फ्रॉम बीबी बैंक, लोन लिया बैंक से, तो कैश टू बीबी बैंक लोन क्रेडिट। फिर रिसीव्ड रिसीव्ड चेक फ्रॉम तासीर 65,000 आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 6,000। सेटलमेंट डिस्काउंट को ही कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट क्या है कि आपने किसी से क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन की और उससे कुछ पीरियड का फैसला कर लिया कि इतने अरसे में पैसे दूंगा, और बाद में वो पैसे जल्दी ऑफर करने पे कुछ डिस्काउंट मिल गया। जैसे आपको मैंने कुछ चीज़ें सेल की 10 लाख रुपए की क्रेडिट पे, और आपने कहा जी 30 डेज में पैसे दूंगा, आपका अगले दिन ही सौदा लग गया, आपको सारे पैसे मिल गए, आपने कहा 30 डेज का इंतज़ार क्यों करूं, इससे और माल खरीदता हूं, उसको कहता हूं पिछले पैसे फट और दे, लेकिन चूंकि मैं जल्दी पैसे दे रहा हूं तो उसको कहूंगा कि यार देख तुझे पैसे कब देने थे भला मैंने, है ना, 28 दिन के बाद, अभी तो 2 ही दिन गुजरे हैं, तो मैं 28 दिन जल्दी दे रहा हूँ तुम्हें पैसे, रियायत क्या करोगे। और अगर ठीक है तू 12 लाख की जगह या 10 लाख की जगह तू भाई 9,80 दे दे, अगर ठीक है ये लो 9,80, तो अब मेरा सेटलमेंट उससे 10 की हुई है लेकिन अंदर से 20,000 मुझे बच गया, तो इसी को ही सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं, इसी को ही कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब अगर डिस्काउंट मैं दे रहा हूं तो उसको अंग्रेजी में डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, भाई आप कस्टमर हैं, आपने मुझे पैसे देने हैं, मैं आपको पैसे छोड़ रहा हूं कि ठीक है यार तू 20,000 ना दे तो दे 9,80, यानी मैंने आपको डिस्काउंट अलाउ कर दिए क्योंकि मैंने आपको सेल की हुई थी। अच्छा, और अगर मैंने आपसे परचेज की हुई थी तो अब मैं आपको पैसे दे रहा हूं और मैं आपको कम पैसे दे रहा हूं, यानी मैं आपसे डिस्काउंट मांग रहा हूं, ले रहा हूं डिस्काउंट, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड डज नॉट मीन कि आपको पैसे मिले हैं। अगर मैं कहूं डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, एंट्री बताएं क्या होगी, मैंने किसी के पैसे देने थे, 5,000 डिस्काउंट करा लिया, बताएं एंट्री क्या होगी जी। नहीं, बस अभी डिस्काउंट की बात हो रही है, सिर्फ कैश बैंक की बात नहीं हुई। मैंने आपका 50,000 देना था, मैं कहा यार मैं आपको 45,000 अभी कल भेजता हूँ, 5,000 डिस्काउंट करो, आपने कहा हो गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट की एंट्री डाले पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ दिस इज नॉट कैश दैट यू हैव रिसीव्ड, दिस इज अ छूट दैट यू हैव रिसीव्ड, कि भाई मैंने एक बंदे के पैसे देने थे अब नहीं देने, पहले उसका 50,000 देना था, अब कितना देना है, 45 देना है, 5,000 नहीं देना, तो मैंने कहा पेएबल डेबिट, यानी पेएबल कम हो गया और छूट मिल गई, छूट मुझे आमदनी हुई, बचत हुई मुझे, इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड को कैश समझ के डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम नॉट कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, क्रेडिट होगी, ठीक है, ओके। सो तासीर से 65,000 का चेक लिया आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 6,000, यानी 71,000 उससे सेटल किया है, उसमें से 6,000 डिस्काउंट हो गया और 65 का चेक ले लिया, तो बैंक डेबिट करूंगा 65,000 से, डिस्काउंट डेबिट करूंगा 6,000 से और तासीर को क्रेडिट कर दूंगा पूरे 71,000 से। इसी तरह जवाब 40,000 है आफ्टर कैश डिस्काउंट 2,000, यानी सेटलमेंट कितने की हुई है, 42,000 की, तो मैंने आपके साथ खाता 42,000 से सेटल कर लिया है, उसमें 2,000 डिस्काउंट हो गया, 40 मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, तो जो ले लिए, तो बैंक डेबिट 40,000 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 से और जवाब क्रेडिट 42,000 से, ठीक है, सब ठीक है। ये इसकी और आखिरी भी है, प्रोप्राइटर ब्रिंग्स अ फर्दर 9 लाख इन टू बिजनेस बाय अ पेमेंट इन टू द बिजनेस बैंक अकाउंट, 9 लाख रुपए कैपिटल इंजेक्ट हुआ है बैंक में, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नहीं जी, इसके आगे इसके लेजर आपने बनाने थे, ट्रायल बनाना था,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी, उम्मीद है कि वो आपने बना ली होगी, ट्रायल तक बनाया। अब अगर इस एंट्री के नतीजे में कोई करेक्शन आई है तो उससे अपनी एंट्री करेक्ट कर लें, उससे अपना लेजर करेक्ट कर लें और फिर उससे अपना ट्रायल करेक्ट कर लें, फिर उस करेक्टेड ट्रायल बैलेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें। ठीक है, और मार्कर इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये मार्कर आपकी ज़िंदगी में सिवाय दुख दर्द के और कुछ नहीं लाएगा। मार्कर इज़ नॉट अलाउड इन एग्जाम्स। तो आप यानी आदी हो जाते हैं ना एक मार्कर के अंदाज से बनाने के, हाइडिंग ये वो। मार्कर इज़ नॉट परमिटेड इन एग्जाम्स। ब्लैक पेन यूज़ करेंगे और मार्कर इज़ नॉट परमिटेड। नहीं, ब्लैक पेन आपका तो कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड में तो जाहिर है कि ब्लैक ही इंक होती है, वो जो स्क्रीन पे आ रही होती है। हाँ, ब्लैक पेन ओनली, ब्लैक पेन एंड नो मार्कर्स परमिटेड। हाँ, उसमें पॉइंटर्स की इजाज़त है। पॉइंटर का भी टच ज़रा मार्कर जैसा होता है ना, आप वो देखते ही हैं, वो जाना उसकी लिखाई भी मार्कर जैसी लग रही होती है। पॉइंटर इज अलाउड बट मार्कर्स आर नॉट परमिटेड, लाइक दिस इट इज़ नॉट परमिटेड। जी नहीं, बस परचेजेस लिख लें कोई हर। जब मैं कहता हूँ ना परचेजेस टू जमाल, तो हु इज जमाल? जमाल इज अ पेएबल, तो मैं लिखूंगा जमाल P/A। वो टाइम बचाने के लिए, पूरा पेएबल भी लिख दें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट टाइम ही ज़ाया होता है। मैं लिखूंगा जमाल P/A, जमाल पेएबल। पहले नाम लिखूंगा और आगे लिख दूंगा ये मेरा पेएबल है या ये मेरा रिसीवेबल है। और परचेजेस फ्रॉम जमाल इसलिए लिखूंगा कि मैं चीज़ का नाम लिख रहा हूँ। ये ऐसे कि जैसे आपने AC खरीदा है, इसका नाम क्या है? AC, नॉट AC फ्रॉम फजल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? इसका नाम है AC, तो मैं लिखूंगा AC। जमाल पेएबल, जमाल का अलग बनाएंगे, फैसल का अलग बनाएंगे। ट्वेंटी एट की रिपीट हो जाती है अभी। जी जी सब कस्टमर्स के अलग अलग लेजर बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग बनाए थे। हाँ, उसमें था ही एक असल में, इस वजह से एक ही बना था। अगर पांच होते तो पांच अकाउंट बनते। देखिए, अगर आप अलग अलग नहीं बताएं बनाएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि इनसे कितने पैसे लेने हैं और इनसे कितने लेने हैं और इनसे कितने लेने हैं? अलग अलग ही होगा तो पता लगेगा ना। इनका लेजर देख के पता लग जाएगा इनसे इतने लेने हैं और इनका लेजर देख के पता लगेगा इनसे इतने लेने हैं। अगर आप सारा एक ही लेजर में डाल देंगे, आपको ये तो पता लग जाएगा कि टोटल लोगों से मैंने 20 करोड़ लेना है, लेकिन वो किससे लेना है ये नहीं पता चलेगा। उसके लिए फिर आपको दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी बैठ के। जी आप कुछ कह रहे थे? सर, ये जो बैंक अभी डेबिट हुआ है नवंबर 28 की, इस एंट्री की बात करें ना, तो इसमें हम लिखेंगे पैसे हमें मिले हैं, बैंक डेबिट, पैंसठ हजार से, और तासीर क्रेडिट, तासीर मेरा रिसीवेबल है जो कि खत्म हो रहा है, कितने से? तो तासीर रिसीवेबल क्रेडिट 71,65 और 6,71,000 से, और 6,000 से डिस्काउंट अलाउड। जी अच्छा, लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे? आपका सवाल भी यही था, ये लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे, ये सवाल, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको लेजर में कैसे दिखाएंगे? बैंक का लेजर बनाएंगे, बना हुआ होगा, उसमें डेबिट कर देंगे कितने पैसे, डिस्काउंट का लेजर खोलेंगे, डिस्काउंट का टी अकाउंट खोलेंगे और उसमें डेबिट कर देंगे कितने से, 6,000 से। तासीर का लेजर खुला हुआ होगा, उसमें क्रेडिट कर देंगे कितने से, 71,000 से। लेकिन ये 71,000 की रीजन एक नहीं है, दो हैं, तो तोड़ के लिखेंगे 65,000 बैंक,
6,000 डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड का अलग होगा, रिसीव्ड का अलग होगा। बस तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसका एक लेजर बन जाएगा और जो डिस्काउंट अलाउड है उसका एक बन जाएगा। बस अब डिस्काउंट इनको दिया है, इनको दिया है, इनको दिया, इसके अलग अलग नहीं बनेंगे। डिस्काउंट अलाउड का एक लेजर बन जाएगा, उसमें इनका डिस्काउंट भी डल जाएगा, इनका भी डल जाएगा, इनका भी डल जाएगा। ठीक है, ये जो एंट्री है ना, इसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे होगी? रिसीवेबल की मैं बता रहा हूँ। ये रिसीवेबल है, ये यानी तस्वीर रिसीवेबल है। तो मैं यहाँ 71,000 क्रेडिट कर रहा है ना, मुझे 71,000 से क्रेडिट है, लेकिन उसके सामने क्या लिखना होता है? अपोजिट का नाम। अपोजिट का नाम एक नहीं है, वो दो है। मैं दो लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैंक डिस्काउंट है। तो 71 क्रेडिट मैंने 71 से ही किया है, लेकिन उसको स्प्लिट करके दिखाया ताकि जब मैं लेजर देखूं तो मुझे पता लगे कि 65,000 की पेमेंट रिसीट हुई थी, 6,000 उसको माफ कर दिया था। ठीक है जी, और बताइए। ये आपका एक्सपेंस है, आपने एक बंदे से 71 लेना था, अब सिर्फ 65 मिला है, बाकी मिले ही नहीं पैसे, तो लॉस हुआ है ना मुझे, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस हो रहा है। जी बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, कल असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं फिर मुनासिब समझा, आज उनकी तबीयत डिस्टर्ब है, फ्लू बुखार। हाँ बुखार भी हुआ हुआ ब्लैक मार्कर की भी इजाजत नहीं है। हाँ तोड़ दे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। मेरे ख्याल में तो वो ऑनलाइन ही होगा, बट मैं इसको डबल चेक करके बताऊंगा। मैं अभी यानी को हतमी राय नहीं देना चाह रहा, स्प्रेडशीट में टाइप करते हैं। नहीं नहीं, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसे, बट मैं आपको एक दफ़ा जब मुझे आईकैप से कंफर्म होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। जी कोई सवाल? जी डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड, यस। हमने किसी को पैसे छोड़ दिए हैं, एक्सपेंस है, किसी ने हमें पैसे छोड़ दिए तो हमारी बचत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन
क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं? पेमेंट करते हुए। बिल्कुल ठीक बात है, क्रेडिट होगा और ये बैंक भी क्रेडिट होगा और ये डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। किम जी सब ठीक है? ओके, सो जर्नल लेजर ट्रायल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम ये सब मुकम्मल हुआ, ऐसे ही है मुकम्मल हुआ ना? अब आपने इसका भी मुकम्मल कर लेना, ये जो अभी मैंने आपको सवाल रिपीट कर दिया है जो आपको साइन किया हुआ था, इसके अलावा भी कुछ सवाल दिया था चैप्टर वन के एमसीक्यूज दिए थे, उसमें कोई सवाल है? उसमें कोई सवाल है? ऑल ओके, थर्टीन द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, देखें कैपिटल ऑफ अ बिजनेस कब चेंज होता है, यानी कैपिटल मीन्स इक्विटी, इक्विटी कब बदलती है? जब या वो इक्विटी और इंजेक्ट कर दे, या वो इक्विटी विड्रॉ कर ले, या नफा नुकसान हो जाए, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है जो इक्विटी को अफेक्ट करेगी। अब इसमें देखें कि कोई ऐसी चीज़ है जो कैपिटल इंजेक्ट बता रही हो, ड्राइंग बता रही हो, या कोई इनकम एक्सपेंस बता रही हो, इनमें से कोई चीज़ आए तो वो इक्विटी को अफेक्ट करेगी, बाकी कोई चीज़ उसे अफेक्ट नहीं करेगी। Yes, wages is an expense. It will affect the equity. क्योंकि expense किधर जाएगा? Profit and loss में. Profit and loss से profit कम होगा तो फिर कम amount जाएगी equity में. इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें आपका profit था 100 रुपया, तो ये profit किधर जाना था? ये equity में जाना था. अब उसमें खर्चा निकल आया 5 रुपए का, अब वहाँ पर 95 जाएगा, equity change हो जाएगी. तो मैंने इसलिए आपको बताया ना, income, expense या capital inject या drawing, यही चीज़ें हैं जो इक्विटी को अफेक्ट करती हैं, और तो कोई चीज़ इक्विटी को अफेक्ट नहीं करती। अगर ना रेडियो बटन लगा हुआ हो, रेडियो बटन समझते हैं, रेडियो बटन एक होता है चेक बॉक्स जिसमें टिक लग जाता है ऐसे, है ना, जो स्क्वायर बना हुआ होता है, एक होता है चेक बॉक्स, एक होता है रेडियो बटन गोल। ये जो रेडियो बटन होते हैं ना, ये मल्टीपल नहीं चूज हो सकते, तो अगर वहाँ रेडियो बटन दिए हुए हैं इसका मतलब है एक ही चूज हो सकता है, हाँ, लेकिन अगर चेक बॉक्स हो तो वो मल्टीपल भी टिक हो सकते हैं। सर्कल कैसे आएंगे? रेडियो बटन, हाँ मैंने कहा वहाँ हाथ से सर्कल लगा रहे होंगे बैठ के, हाँ तो इसका मतलब क्या है, एक ही चॉइस होगी। देखिए वो तो कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है ना, वो तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट कर लिया, पेपर में तो जाहिर है उसी अंदाज में आएगा जैसे पेपर में आना है, रेडियो बटन ही आएगा, लेकिन जिस तरह ने कहा ना चेक बॉक्स आ जाए तो मल्टीपल चूज हो सकते होंगे, और वहाँ पे फिर वो लिख भी रहा होगा कि मल्टीपल चूज करें। आई डाउट कि ऐसा करेगा वो, एमसीक्यू की स्ट्रेंथ ही ये है कि उसमें से एक ठीक होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज देखें ना मार्किंग का कितना मसला है। मसलन आपने दो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, उनमें से एक ठीक है गलत है, अब आधे नंबर देने पड़ेंगे, इसका मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब आधे नंबर तो देना पड़ेगा ना। एमसीक्यू में चार में से एक है, इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज 25%। व्हेन चार में से दो ठीक हैं और दोनों आपने टेक करने हैं, तो यू स्टिल हैव अ चांस दैट यू विल गेट हाफ मार्क, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क इज हायर। व्हाई वुड समबडी लाइक यू, आई मीन समबडी लाइक आई कैप वुड लाइक के आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दे दे। ओके आगे चलें, अभी कर लें, करें 6 और 9 बता दूं जी। अच्छा सप्लायर बीइंग पेड, अच्छा एक और बात है, अगर आपको इस तरह की बात समझ ना आ रही हो ना कि यार इसमें से क्या जवाब ठीक है, उसकी एंट्री बना लें, एंट्री आपको बता देगी कि इक्विटी डेबिट क्रेडिट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इक्विटी डेबिट क्रेडिट हो रही है इसका मतलब है कि इक्विटी पे इफेक्ट आएगा। मसलन पहली बात सप्लायर पेड बाय चेक, एंट्री क्या बनेगी?
पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट बताएं, इसमें इक्विटी का कोई इंपैक्ट है? और दूसरी तरफ इक्विटी का रोल ही नहीं है, सो देयर इज नो इंपैक्ट ऑन द इक्विटी। द एंट्री स्पीक्स इटसेल्फ के क्या होने जा रहा है ना, इसीलिए जब आप एंट्री बनाना सीख जाते हैं तो आपको पूरी बात समझ आ जाती है कि यार इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि एंट्री बनती ही तब है जब आपको बात समझ आई हो। बात समझ आई है कि इसमें लायबिलिटी पे हो रही है, एसेट कम हो, तभी आपने डेबिट क्रेडिट किया ना। अगर वेजेस के जो वेजेस पे करते हैं हाँ, उसके अगेंस्ट भी तो हम सर्विसेज ही लेते हैं। एंट्री बनाए वेजेस पे किए, एंट्री बनाए वेजेस डेबिट, कैश क्या है एसेट, और वेजेस क्या है और इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? इक्विटी में, ठीक है ना। यानी इक्विटी इंपैक्ट किससे होती है, या इक्विटी में पैसे आ गए निकल गए, या फिर इनकम और एक्सपेंस से, उससे इक्विटी इंपैक्ट होती है। आप देखें ना, आपने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई तो आपने देखा कैपिटल लेस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। भी तमाम इनकम्स तमाम एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दिए तो प्रॉफिट बन गया? नहीं। अरे इनकम और एक्सपेंस इकट्ठे करने का मतलब ये थोड़ी कि जमा ही कर देंगे। एक इनकम जमा की चीज़ है, एक्सपेंस नफी की चीज़ है, तो जब इकट्ठा करेंगे तो तफरीक ही हो जाएगा ना, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? और वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर इसका मतलब है इनकम और एक्सपेंस कैपिटल को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो हमने एंट्री बनाई, एंट्री में एक्सपेंस निकल आया, हमने कहा अच्छा इसका मतलब है कैपिटल इफेक्ट होगा, ठीक। और छः और अ बिजनेस हैज इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018। एक्सटेंशन इन बिल्डिंग की है आपने, बिल्डिंग बड़ी कर ली है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग भी की है, बिल्डिंग में मरम्मत भी करा ली है, और मशीनरी को ओवरहॉल भी कर दिया जिससे मशीनरी की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद वो खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद वो खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। जो खर्चे प्रॉफिट और लॉस में नहीं आते उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी कि एसेट्स। भाई आपने एक मशीन खरीदी है तो खर्चा ही हुआ है ना, लेकिन इस खर्चे को हम एक्सपेंस नहीं कहते बल्कि एसेट कहते हैं। तो ऐसा खर्चा जो एसेट बन जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और ऐसा खर्चा जो एक्सपेंस हो जाता है प्रॉफिट और लॉस में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमें ये तय करना है कि ये जो तीन चीज़ें दी हुई हैं इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो आपने एक बिल्डिंग खरीदी है तो एसेट खरीदा है, एक्सटेंड कर लिया ना, यानी बिल्डिंग बड़ी कर ली है तो एसेट बन गया, तो कैपिटल है। रिपेयर कराइए बिल्डिंग की, ये एक्सपेंस है जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और तीसरा क्या है, मशीनरी को ओवरहॉल किया जिससे मशीनरी की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी एक एसेट बन गया। तो पहली और तीसरी चीज़ एसेट है, दरमियान वाली चीज़ एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चाहूँ, एक लफ्ज़ है रेवेन्यू और एक लफ्ज़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में फ़र्क है। रेवेन्यू मीन्स सेल्स इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन रोज़मर्रा के खर्चे। यहाँ रेवेन्यू वो वाला रेवेन्यू नहीं है, सेल्स वाला रेवेन्यू, ठीक है, यह है रोज़मर्रा के खर्चे, ठीक है। तो रिपेयर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सादा लफ्ज़ों में एक्सपेंस, और बाकी के दोनों हैं एसेट। अब आपको कहना है कि ओवरऑल टू मशीनरी दैट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटीज पे क्या सवाल है आपका? इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हुआ नहीं है अभी, इसकी क्या एंट्री डली है? जैसे आपने बिल्डिंग एक्सटेंड की उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा,
तो आपने इसको क्या कहा है, प्रॉफिट कहा? नहीं, आपने इसको एसेट ही कहा है। जब आप एक मशीन खरीद के लाए हैं तो उससे आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कमाएंगे, लेकिन अभी आप मशीन खरीद के लाए हैं, अभी मुनाफा कमाने वाला वकुआ हुआ नहीं है। वो वाक्या जब जहूर पजीर होगा तो तब लिखेंगे कि मुनाफा हुआ है। आज तो एसेट खरीद के लाए हैं तो लिखेंगे एसेट डेबिट। तो आज आपने एक मशीन पे पैसे खर्च किए हैं तो लिखेंगे मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी इनहेंस करने के लिए दोबारा से उसमें पैसे लगा दिए जाएं, तो वो फिर एक्सपेंस होंगे। इनका सवाल ये है, और जो ज़रा थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल है इनका, कि अगर आपने एक मशीन ली और उस मशीन की 5-7 साल लाइफ गुजर चुकी है, मतलब एक मशीन थी उसकी लाइफ थी 15 साल, 8 साल गुजर चुके हैं, अब ज़ाहिर है 8 साल में मशीन पुरानी हो गई है, उसकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज रिड्यूस हो गई हैं, एफिशेंसी कम हो गई है, ऐसे ही होता है कि नहीं? आमतौर पे जैसे अगर एक एसी नया है तो जितना ठंडा करेगा, शायद 5-8 साल पुराना एसी उतना ठंडा शायद नहीं करेगा, शायद, मतलब ज़रूरी नहीं है बट शायद। एक मोटरसाइकिल जो नई पे जो आपको एफिशिएंसी दिखाएगी, तो 10 साल बाद वो मशीन उतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी। तो वी अंडरस्टैंड कि एक मशीन अपनी लाइफ में अपनी एफिशिएंसी को डिटेरियोरेट कर रही होती है। अब ये कहते हैं कि जी लेट से 10 साल के बाद आपने उस मशीन पे हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी खर्च की और उसकी एफिशिएंसी को फिर से ऊपर उठा लाए, यानी मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर आपकी मशीन की एफिशिएंसी थी 100, ऐसे अज्यूम करता हूँ 100% जैसे 100, 10 साल गुजर गए हैं और आज मशीन 78% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रही है। अगर नई मशीन 100 यूनिट रोज़ बनाती थी तो ये मशीन चूँकि पुरानी हो गई इसलिए अभी 78 यूनिट रोज़ बना रही है। हमने इस पे हैंडसम पैसे खर्च किए और इसकी एफिशिएंसी 78 से उठा के 95 पे ले गए। तो अब इनका सवाल है कि क्या ये पैसे एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, क्या एसेट बन जाएंगे? एसेट बन जाएंगे बशर्ते कि ये एसेट की डेफिनेशन मीट कर जाए। और एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। सो इफ दिस हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव पुट इन ऑन द एसेट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इज गोइंग टू क्रिएट अ रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय यू एंड विच यू एक्सपेक्ट दैट बेनिफिट्स विल बी देयर, इट्स एन एसेट। व्हाट इज एन एक्सपेंस? रिपेयर क्या करता है? रिपेयर एक ऑर्डिनरी डे टू डे डैमेज को मेंटेन रखता है। मशीन चल रही है, 100 घंटे के बाद उसका फिल्टर निकाल के नया फिल्टर लगा देना। क्यों? वो ऑर्डिनरी वर्किंग में अपनी एफिशिएंसी खराब कर रही है, आपने उसको निकाल के किया और वो मेंटेन हो गई, खराब हुई मेंटेन हो गई, खराब हुई मेंटेन हो गई। आप गाड़ी ट्यूनअप करा लेते हैं, डाउन हुई मेंटेन हो गई, ये मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक है कि वो यहाँ पहुँच गई थी, आप उसको वापस ऊपर उठा लाएँ, यानी नीचे चली गई थी वापस ऊपर उठा लाएँ, तो ये उसकी एफिशिएंसी में सब्सटैंशियल इंक्रीज है। ये सब्सटैंशियल इंक्रीज इज मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट। इसको एसेट में कैपिटलाइज कर लेंगे। और बताइए नंबर 9, तब आपको समझ आई गई है, अब आप करेंगे तो हो जाएगा, करें अभी करें। नंबर 9 का जवाब, कहता है कि जी हमने एक बिल्डिंग में एक्सटेंशन करा ली है, एक रिपेयर करा ली है, एक ओवरऑल करा ली है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव, इन ऊपर वाली तीनों चीज़ों को इग्नोर किया हुआ हमने, हमारा प्रॉफिट है 5.6 मिलियन। अगर हमें ऊपर वाली तीनों चीज़ों को काउंट कर लूँ तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? इनमें से जाहिर है जो आइटम प्रॉफिट और लॉस से बिलोंग करती होगी वही प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी ना। तो क्या एक्सटेंशन इन बिल्डिंग प्रॉफिट और लॉस में आएगा? ओवरऑल तो मशीनरी भी प्रॉफिट लॉस में आएगा, रिपेयर आएगा प्रॉफिट लॉस में, और वो एक एक्सपेंस है 500,000। तो 5.6 से प्रॉफिट घट के 5.1 हो जाएगा, यहाँ आएगा 5.1।
ठीक है। और कुछ सवाल? ट्वेंटी नाइन। थर्टी फर्स्ट अक्टूबर 2016 जाहिद्स ट्रायल बैलेंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग बैलेंसेज मशीनरी इन्वेंट्री रिसीवेबल पेएबल ओवरड्राफ्ट एंड बैंक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जाहिद्स करंट एसेट्स? अच्छा ये भी मैंने पढ़ाया नहीं, मेरा ख्याल है। करंट एसेट्स एक तफसीली जरा बात है जो मैं आपको आगे कुछ अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। आसानी के लिए और मुख्तसर समझाने के लिए, ऐसे एसेट जो आम तौर पे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूम हो जाएं या उनके इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो जाएं, वो करंट एसेट्स होते हैं। ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज़ लाइक 1 ईयर। तो इन मशीनरी जो है इसकी लाइफ आम तौर पे ये लॉन्ग लाइफ एसेट होता है, तो ये करंट नहीं होगा। इन्वेंट्री जो है ये करंट होगा। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट होगा। बैंक कैश एट बैंक भी करंट होगा। तो ये 150 का कैश, 11,745 का रिसीवेबल और 5,754 का इन्वेंट्री, ये तीन चीज़ें करंट हैं। इनको जमा कर लें तो इन तीन में से कोई ना कोई एमसीक्यू निकल आएगा ऑप्शन। करंट लाइबिलिटी है ना, वो करंट एसेट्स की बात हो रही है। हाँ, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, बैंक से उधार लिया हुआ, यानी बैंक में पैसे पड़े नहीं थे लेकिन निकाल लिए, ओवर ड्रॉ कर लिए। जैसे आपने एटीएम में कार्ड डाला, आपके पास पड़े थे 15,000, एटीएम ने दिखाया 25,000, तुसी फटाफट कार्ड ले तुसे क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एटीएम को धोखा लगा। ऐसा होता नहीं है, मैं वैसे सिर्फ समझा रहे अच्छा वैसे अगर आप एटीएम पे अपना कार्ड डालें, आपके अकाउंट में लेट से 15,000 पड़ा हुआ था और वो दिखाए कि 1.5 लाख पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? नहीं नहीं, सही दिखा रहा है 1.5 लाख, यानी लिखा हुआ है 150,000.00, पूरा 1.5 लाख लिखा हुआ है, क्या करेंगे? क्या करेंगे, सोचते हैं क्या करेंगे, मशवरा करेंगे घर जाके कि करिए? क्या ख्याल है? सादा सा सवाल है यार, इसका तो आपको फौरन जवाब देना चाहिए भी ये करेंगे। 15,000 निकाल लेंगे, 15 निकालने जरूरी है, हो सकता है आपने निकालने ना हो, जस्ट बैलेंस चेक करने का मतलब बैलेंस भी देख देना कि हाँ पिया पिया बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जाहिर है अगर मशीन को गलती कर रही है या कुछ सिस्टम में गलती हो गई है, तो वो पैसे तो मेरे नहीं है, मैं नहीं निकालूंगा, मुझे नहीं निकालने, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं हैं। तो मेरा ये सोचना कि मैं इनको निकाल लूँ टेंट अमाउंट टू रॉबरी और आई मीन यू सी स्टीलिंग समवन एल्सेस मनी, मैं नहीं निकालूंगा। वैसे बैंकिंग सिस्टम में बाज़ अवक़ात ऐसा हो जाता है कि किसी के अकाउंट में गलत पैसे जमा हो जाते हैं। वो वाले नहीं, वो जो वो दही बल्ले वाले के अकाउंट में थे 2 अरब रुपए, वो वाले नहीं, वो वाले नहीं, वैसे गलत हो जाता है, तो वो पकड़ी जाती है और बैंक बाद में उसको रिवर्स भी कर देता है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके अकाउंट में से 50,000 की पेमेंट हो जाए, आपने की नहीं, वो गलती पकड़ी जाएगी और बैंक उस 50,000 की रिवर्सल डाल देगा। अगर फर्ज करें बैंक से भाई बैंक में भी तो आखिर इंसान ही बैठे ना, गलती तो हो ही सकती है, अगर बैंक नहीं भी पकड़ सका किसी वजह से, तो जिसका अकाउंट में ये गलती हुई है वो पकड़ लेगा। जाहिर है आप पकड़ लेंगे, आप कहेंगे यार ये कौन सी पेमेंट हुई है, मैंने तो की नहीं है, बैंक को कंप्लेंट करेंगे, बैंक अपना रिकॉर्ड खोलेगा, चेक करेगा, पता चलेगा ओहो ये शाह साहब के पैसे थे जो शाह साहब में डल गए हैं, है ना, यानी SHAH शाह के पैसे SHAW शाह के अकाउंट में डल गए, ठीक है।
तो हो सकता है टाइप करने वाले से गलती होगी, आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, ऐसा होता नहीं है लेकिन क्योंकि बैंक में एंट्री नाम से नहीं डल रही होती, शाह से नहीं डल रही होती, हर एक का अपना एक अकाउंट नंबर होता है, वो नंबर से एंट्री डलती है। लेकिन नंबर तो कोई गलत पंच कर ही सकता है ना, 5 4 8 3 2 6 8 करना था, 8 की जगह 6 दब गया, गलती है उसकी जगह किसी और का ना आ गया, वो किसी और के अकाउंट में चली गई, तो फिर बैंक उसको तस्दीक कर देता है। तो अगर ऐसा कोई हो भी जाए तो बैंक से रब्ता करें, ज़्यादा पैसे भी आ जाएँ तो बैंक को बताएं कि भाई ठीक कर, क्या जब पता कि वो पता लगे जी ये पैसे जमा किसने कराए थे जी, ये वो कराची का कौन सा अहलकार है वो जिसके घर से सोना और फॉरेन करेंसी और, हाँ जी नहीं, वो अभी एक न्यूज़ आ रही थी ना कि वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई क्लर्क था या क्या था पता नहीं, तो उसके घर से काफ़ी सारे पैसे और सोने की वो जो 10-10 तोले की ईंटें होती हैं और वो भी काफ़ी कुछ निकला, तो क्या पता उसने जमा कराए हो। बाज़ औक़ात इस तरह की ईमेल्स भी आ जाती हैं, आई एम मिसेस मलिसा फ्रॉम लेबनान, नहीं, यू नो वी एस्केप्ड फ्रॉम लीबिया व्हेन यूएस इन्वेडेड, वी फॉर्चुनेटली वी वुड बी एबल टू सेव सम 50-60 million $ इन द फॉर्म ऑफ दिस आई मीन अकाउंट, नाउ वी वॉन्ट टू रिट्रीव दैट फ्रॉम द केमन आइलैंड्स एंड आई नीड हेल्प एंड आई थिंक यू आर अ जेंटलमैन, इफ यू हेल्प आई विल गिव यू 30% आउट ऑफ इट। और कहते हैं अभी $50 million था, 30% आ रहे हैं तो पैसे रूट कराते हैं, एंड रिजल्ट उसका ये निकलना है कि ज़रा प्रोसेस के लिए ना $150 देना ज़रा। तो तुम कहोगे ना कि यार ये जो तुम मैंने देने ना $10-15 million उसके विच कट लेंगे, हो गया ना ये पहले देने पड़ने हैं आपको। अच्छा जी और कुछ इसमें? देर आर एक्चुअली पीपल हु सीरियसली थिंक कि ये सच है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यानी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे सादा लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की ईमेल को सच समझ लेते हैं और वो बकायदा इस पर मतलब मैं आई हैव बीन अप्रोच्ड मैनी टाइम्स बाय सम एक्वेंटिसेस कि इस तरह से ईमेल आई है तो इसका क्या करना है, वो इतने पैसों का कह रहा है, ये इतने पैसों का कह रही है और ये कैसे होगा वगैरह वगैरह, समवन वांट्स टू मेक सम फॉर्चून ऐसे कि पैसे निकलें। ज़ाहिर है अगर आपको लगता हो कि चल यार 10-20 हज़ार की गल है, ये निकल आए तो है ना, फिर जो निकल आए तो 25 करोड़ निकल आएगा, ना हो गया तो 20 हज़ार ही है फिर। सो अच्छा जी और कुछ? और कुछ चलें इसको मुकम्मल कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे और अगले टॉपिक का आगाज़ करेंगे।